बचपन से लेखक हुए हैं, फिलोसफर हुए हैं। मैंने तो पढ़ा बचपन से कि कालिदास जी जिस डाली पे बैठ रहे थे उसी डाली को काट रहे थे। किसी ने कहा, भाई तू उस डाली को क्यों काट रहा, तू गिरेगा। उसने कहा, मैं नहीं गिरूंगा। वो गिरे और आप सब कहानी पता है कि उनको उनकी तीसरी आंख खुली शिव की तरह, और वो कालिदास जी दोस्तों स्टेज पे आए, आज उनको हम याद रख रहे हैं। टैलेंट किसी की बबौती नहीं है, इंटेलिजेंसी किसी की बबौती नहीं है। ये खेल दोस्तों सारी आपका सोच का है। और जिंदगी में सबसे बड़ी बात है कि आप टाइम पे काम शुरू कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। जिंदगी में वक्त का बड़ा खेल है। जैसे एग्जांपल से बात शुरू कर रहा हूं, एक लड़का, बिल्कुल एक युवा लड़का स्टेशन पे दौड़ता दौड़ता जा रहा था, उसके सामने सामने उसका ट्रेन छूट गया। उसी स्टेशन पे एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठे थे, किसी का इंतजार कर रहे होंगे, वो अखबार पढ़ रहे थे। वो बुजुर्ग व्यक्ति उस लड़के को देख रहे थे कि भाई लड़के के सामने सामने तोड़ते तोड़ते इस लड़के का, इस बच्चे का ट्रेन मिस हो गया। ट्रेन मिस होने के बाद वो युवा बच्चा, इन बच्चों की तरह बहुत क्यूट सा बच्चा, उस अंकल के पास आके बैठ गए। अंकल ने बड़े प्यार से उसके कंधे पे हाथ रखा, जैसा हमारे रखते बुजुर्ग, हमारी परंपरा है कि यार बेटा तू थोड़ा सा और तेज तोड़ता तो तेरी ट्रेन नहीं छूटती। लड़का बहुत अच्छे परिवार का था बेटा आपकी तरह। उसने कहा, अंकल नहीं, मेरे धीरे या तेज दौड़ने में ट्रेन के छूटने का कोई रोल नहीं है। मैं धीरे दौड़ता हूं या तेज दौड़ता हूं इससे कोई मतलब नहीं है। काश मैं घर से टाइम पे शुरू होता तो मुझे दौड़ना भी नहीं पड़ता और मेरी ट्रेन भी नहीं छूटती। दोस्तों आप 10th 11th 12th में हो, अभी से तैयारी करना शुरू कर दोगे IIT PMT की तो सिलेक्ट भी हो जाओगे। और अनावश्यक दोस्तों आपको फरवरी मार्च के महीने में अनावश्यक जो मेहनत करनी होती है वो भी दोस्तों नहीं करनी पड़ेगी। इसलिए जिंदगी में यदि आप टाइम पे काम स्टार्ट कर लेते हो, और वही टाइम पे काम स्टार्ट करने की प्रेरणा के लिए हम लोग आराम साथ बैठे हैं। आप 10वीं के बच्चे हैं, 11वीं के बच्चे हैं, 12वीं के बच्चे हैं। आपका करियर काउंसलिंग दोस्तों, ये फ्यूचर जो है ये 2 या 3 साल में है। IIT हो चाहे मेडिकल हो, चाहे आप में से 10th के बच्चे आर्ट्स कॉमर्स कुछ भी लें, 12वीं आते आते आदमी का फ्यूचर ठीक ठाक सा डिसाइड हो जाता है, उसका ट्रैक डिसाइड हो जाता है। लेकिन दोस्तों इन सब चीजों के पीछे आपको अपनी सोच रखनी होगी। क्यों, मैं सीधी सी बात कहता हूं, मैं कहता हूं सपने पालो। तो बहुत से लोग कहते हैं साहब सपने पालने से क्या होता है, तो मैं एक प्रश्न खड़ा करता हूं, प्रश्न खड़ा कर मैं कहता हूं क्या सपने पालने हैं। तो कार्तिक कहते हैं यार सपने पालने से क्या होता है, क्या बढ़ता सपने पालने से। दोस्तों इस हिंदुस्तान में हरियाणा राजस्थान जो हम ग्रामीण लोग हैं, हमारे दो बहुत अधूरी कहावते हैं, वो अधूरी कहावते कंफ्यूज करती है हमें। एक अधूरी कहावत है कि जो गरजते वो बरसते नहीं है, मैं इसको पूरा करता हूं कि जो गरजते वो बरसते नहीं है। ये भी सच है दोस्तों, वो जब बरस जाते तो बाढ़ आ जाती है। लोग झूठ कहते हैं गरजते वो बरसते नहीं है, उसका आगे करो। हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि बात करने से क्या होता है, ये भी दोस्तों अधूरी बात है। अरे मेरे यारों, बिना बात के भी क्या होता है जिंदगी में, बिना बात कुछ नहीं हो सकता। आदमी की लाइफ में सबसे बड़ा इवेंट शादी का होता है। एक सब आदमी शादी सब करते, दो चार होते हैं कुंवारे। तो दोस्तों शादी में क्या होता, सबसे पहले एक बच्ची बच्चे के माँ बाप बात ही तो करते हैं। क्या बिना बात के कभी कोई दोस्ती या रिश्ता बना है क्या? माना कि बात करने से कुछ नहीं होता, लेकिन दोस्तों सच है बिना बात के भी कुछ नहीं होता। बात सपनों की चल रही थी। लोग कहते हैं साहब क्या होता है, भाषण है, सपनों देखने से क्या होता है। क्या जितने भी गार्जियन बैठे हैं बताने की आवश्यकता, अपने दिल पे हाथ रख के देख लो कितने लोगों ने सपना पाला कि मैं देश का प्रधानमंत्री बन जाऊं, सपना ही तो पालना था। और दोस्तों आप कहो कि मैं सपना पालू मेरी औकात नहीं, तो इस समय तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री शायद ऐसे थे बचपन में, जैसे हम लोग हैं। खुद कहते हैं मैं बचपन में चाय बेचता था, एक सामान्य परिवार निकला, प्रधानमंत्री बना है, उन्होंने सपना पाला। मैं कोई पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा, एग्जांपल दे रहा हूं। वो PM बने दोस्तों, हम सपना नहीं पाल सकते।